नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक। यहां से दोस्तों खूब ठीक ठाक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहां से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन बनने की दोस्तों प्रबल संभावना रहती है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा हिंदी भाषा का विकास। यहां से जितने भी MCQ बन सकते हैं दोस्तों, जो प्रीवियस परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे दोस्तों इसकी थ्योरी के बारे में। तो चलिए यहां से हम शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, हिंदी भाषा का विकास, है ना। तो समझिए दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे है, पहले हम इसी को समझ लेते हैं ना। सबसे जो हमारी आदिकाल में भाषा चलती थी भारत में, वो चलती थी संस्कृत, है ना। फिर संस्कृत धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के बन गई दोस्तों पाली, और पाली का जब रूप थोड़ा सा बदला तो उसको हमने कह दिया प्राकृत, और प्राकृत के बाद दोस्तों जो भाषा बनी वो अपभ्रंश कहलाई, और सबसे बाद में हमारी बन के आई हिंदी। तो आपको ये समझ में आ गया, बहुत सीधा क्रम है, इसको मिलान करने के लिए पूछ लेता है कई बार, क्रम पूछ लेता है इसका परीक्षा में। तो आपको याद रखना है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, कुछ इस तरीके से हमारी हिंदी क्रम में आई है। बात क्लियर हो जाती है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आशा है दोस्तों ये आपको विजिबल हो रहा होगा, है ना। अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, मतलब 420 या 720 पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा ये। हम देखते हैं दोस्तों भारतीय भाषा परिवार, हमारे भारत में कितने भाषा परिवार चलते हैं, है ना, कितने भाषा परिवार हमारे भारत में चल रहे हैं। तो यहाँ से समझिए, हमारे भारत में दोस्तों 4 भाषा परिवार हैं। नंबर 1 आर्य भाषा, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों अष्ट्रिक भाषा, और नंबर 4 हो जाएगा हमारा चीनी तिब्बती। इसको समझिए, आर्य भाषा को दोस्तों भारूपीय भाषा भी कहते हैं, भारूपीय भाषा, है ना, किताबों में कई बार भारूपीय भाषा भी लिखा होता है, बात समझ गए। तो भारूपीय भाषा कह दे या आर्य भाषा कह दे, आपको एक ही मतलब समझना है। तो सबसे ज्यादा हमारे भारत में जो भाषा परिवार बोला जाता है दोस्तों, बोला जाता है भारूपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार। ये हमारे भारत में काफी कम बोला जाता है, तो इसकी जिक्र हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपनी हिंदी के उद्भव के ऊपर, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है। तो आर्य भाषा परिवार दोस्तों कुछ इस तरीके से हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आर्य भाषा दोस्तों 3 और भाषा परिवारों में टूट जाता है। यहां से देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, नंबर 2 हो जाएगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों आधुनिक भाषाएं, ठीक है ना। मतलब भारूपीय भाषा परिवार को हमने 3 और अलग अलग भागों में तोड़ दिया, जिन्हें हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा, और आधुनिक भाषाएं कहा, ठीक है ना। इसके बाद जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार था, वो भी हमारा 3 भागों में टूट जाता है, है ना। इसको हम कह देते हैं पाली, दूसरा प्राकृत, और तीसरा अपभ्रंश, है ना। अपभ्रंश के बाद दोस्तों एक अवहट्ट होता है, आपने सुना होगा अवहट्ट, है ना, और इसके बाद हमारी निकली है हिंदी। तो आपने देखा कि हिंदी किस क्रम से निकल के आई है, है ना। सबसे पहले आर्य भाषा थी, आर्य भाषा इन 3 भाषाओं में टूट जाती है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। उसके बाद मध्यकालीन जो भाषा है वो 3 भागों में टूट जाती है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तब जाकर के हमें यहाँ पर हिंदी मिलती। सीधे सीधे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन हम अभी लगाने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इसके बेस के बारे में, मूल जड़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जब आपकी समझ बन जाएगी तो आप MCQ इसके लगाएंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिंदी की उपभाषाएं, है ना। भाषा के बाद दोस्तों एक होती है उपभाषा और एक होती है बोली। बिल्कुल अच्छा क्रम है, आपको याद रहना चाहिए, भाषा, उपभाषा और बोली, 3 ही चीजें हमारे भारत में चलती है। तो अब हम जिक्र कर लेते हैं दोस्तों कुछ उपभाषाओं के ऊपर, है ना। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं दोस्तों। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं, है ना। 18 बोलियां हैं। कितनी? 18 बोलियां हैं। ये वीडियो के 27 तारीख को जो पेपर था दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कितनी बोलियां बोली जाती है ना, तो उनकी संख्या कितनी है? 18, ये ध्यान रखना आप क्वेश्चन। अच्छा, उपभाषाएं देख लेते हैं दोस्तों, वो हमारी 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 है दोस्तों हमारी पहाड़ी हिंदी, नंबर 2 पे आ जाती है राजस्थानी हिंदी, नंबर 3 पे आ जाती है बिहारी हिंदी, नंबर 4 पे आ जाती है पश्चिमी हिंदी, और नंबर 5 पे होती है दोस्तों हमारी पूर्वी हिंदी। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, बिल्कुल आपको दिमाग में बिठा लेना है, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। मुझे लगता है मेरे दोस्त यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं दोस्तों बोलियों के ऊपर। 18 बोलियां जिनका आप सर जिक्र कर रहे थे, वो कौन कौन सी होती हैं?
तो 18 बोलियां दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं, गढ़वाली है, नेपाली है, कुमाऊनी है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां बोली जाती हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहाड़ी हिंदी में जो बोलियां हैं गढ़वाली है, नेपाली है और कुमाऊनी है, है ना, ये वाली बात क्लियर हो जाती है। राजस्थानी हिंदी में आ जाती है तो राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां बोली जाती हैं दोस्तों। कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? 4 बोली जाती हैं, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात। अच्छा, बिहारी हिंदी में दोस्तों हमारी 3 बोलियां बोली जाती हैं, नंबर 1 भोजपुरी, नंबर 2 हो जाएगा मैथिली और नंबर 3 हो जाएगा मगही। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, पश्चिमी हिंदी जो कि हमारी खुद की भाषा है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली, और ब्रज भाषा का खूब प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, है ना। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर आ जाती है दोस्तों हमारी कन्नौजी, ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली और बांगरू, है ना। तो ये कहाँ बोली जाती है दोस्तों? ये बोलियाँ कहाँ बोली जाती हैं? पश्चिमी हिंदी में बोली जाती हैं। तीसरी है दोस्तों हमारी पूर्वी हिंदी, है ना, जिसमें बघेली बोली जाती है, अवधी बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी बोली। इलाहाबाद और लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे बोली जाती है अवधी, है ना। मुरादाबाद, बरेली के आसपास के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वहाँ बोली जाती है खड़ी बोली। मेरठ वगैरह जो जनपद है हमारा, वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है ना। अच्छा, झांसी वगैरह के आसपास के जो जिले हैं वहाँ बुंदेली बोली जाती है। इस तरह के क्वेश्चन भी खूब बनते हैं यहाँ से दोस्तों, तो इनको भी आपको देखना है। हम इस जो अभी क्वेश्चन लगाने वाले हैं 50, उनमें ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। आगे आ जाते हैं दोस्तों कुछ बोलियों के उपनाम, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं, जो जरूरी जरूरी टॉपिक हैं उनको मैंने पहले समझाना शुरू उचित समझा, उसके बाद इनके क्वेश्चनों को हम लगाएंगे, है ना। तो कुछ बोलियों के उपनाम, बांगरू को हरियाणवी कह देते हैं, जयपुरी को डुंडाड़ी या पूर्वी राजस्थानी कह देते हैं, है ना, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कह देते हैं, मालवी को दक्षिणी राजस्थानी, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है और मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भाषा के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है, हरियाणवी भाषा को किस नाम से जाना जाता है, है ना, तो बांगरू के नाम से जाना जाता है। या पूछ लेगा मालवी को हम किस भाषा के नाम से जानते हैं, तो जानते हैं दक्षिणी राजस्थानी के नाम से। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये याद करना है, बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कुछ संस्कृत के बारे में, क्योंकि हमारी जो हिंदी निकली है वो संस्कृत से ही निकली है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम संस्कृत को दोस्तों जो डिवाइड करते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, मतलब कहने का ये हुआ कि संस्कृत अपने दो भागों में बट गई थी, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो थी दोस्तों जिसमें वेद और पुराण लिखे गए, और लौकिक संस्कृत वो थी जिसमें उस टाइम के आम जन की भाषा थी, मतलब बोलचाल की भाषा थी। इसके बाद दोस्तों थोड़ा और अपभ्रंश आया इसमें, मतलब थोड़ा और बदलाव आया, तो संस्कृत का एक रूप निकल के आया पाली। पाली भी 3 भाषाओं में दोस्तों बट गई, है ना, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी में। यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि हिंदी की आदि जननी भाषा हम किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं संस्कृत के लिए, है ना। इनका क्रम भी पूछा जाता है कि हिंदी किस क्रम से होकर के आई है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, ये सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लगाने वाले हैं दोस्तों 50 MCQ क्वेश्चनों को। चलिए, सौरसेनी में दोस्तों हमारी 4 हिंदी आ जाती है। सबसे पहले तो हमारी पश्चिमी हिंदी आ जाती है, पहाड़ी हिंदी आ जाती है, गुजराती आ जाती है और राजस्थानी आती है, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था। अर्धमागधी में दोस्तों पूर्वी हिंदी आ जाती है, और मागधी में बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ क्रम रहेगा यहाँ से, प्राकृत, अपभ्रंश, पेशाची, ब्राह्मण, प्राचंड, और यानी पेशाची जो निकली है वो पेशाची से जो निकली है वो पंजाबी निकली है, ब्राचंड से जो निकली है वो सिंधी भाषा निकली है। ये थोड़ा थोड़ा आइडिया अब आपको हो गया होगा। अब हम लगाते हैं दोस्तों इसके MCQ क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का नामकरण किस नदी से जुड़ा है। थोड़ा सा उधर हो जाते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरा विजुअल होता रहेगा इधर से। हिंदी का नामकरण किस नदी से हुआ है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, किससे हुआ है? सिंधु नदी से ही हिंदी का नामकरण लिया गया है, क्योंकि हमारे देश का नाम जो हिंदुस्तान रखा गया है वो भी कहां से रखा है? सिंध से ही प्रभावित होकर रखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है ना। तो ये सबको पता है दोस्तों, हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भी दोस्तों देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं,
हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। देखिए हिंदी दिवस दो तरीके से मनाया जाता है, एक तो हमारे भारत में जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है ना, 10 जनवरी को जो मनाया जाता है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कन्फ्यूज नहीं होना है परीक्षा में, अगर क्वेश्चन आता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर हो जाती है बात? आगे आते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना किसका है ना? यह कथन मोंटेसरी का है, लेकिन कहा यह कहा गांधी जी ने है ना? किसने कहा? गांधी जी ने। सही आंसर आपको गांधी जी पिक करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हम पीछे डिस्कस करके आए थे दोस्तों हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। ये क्वेश्चन सीधा उठा के वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, 27 की सेकंड शिफ्ट जो थी, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वीडियो की फर्स्ट शिफ्ट 27 वाली, अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है, री एग्जाम जो हुआ है। तो ये क्लियर हो जाती है बात? आगे आते हैं। व्याकरण वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है ना? व्याकरण और वर्तनी जिस भाषा में शुद्ध प्रयोग की जाती है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जिसे हिंदी में मानक भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानक भाषा। साहित्य क्या होती है? जिसमें साहित्य रचना की जाती है, वो एक साहित्य भाषा होती है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, देख लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? भारत के अलावा पूछ रहा है कि किस देश में हिंदी का प्रयोग बोलने और लिखने में किया जाता है। तो मॉरिशस एक देश है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी का प्रयोग किया जाता है ठीक ठाक मात्रा में, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 4 हैं ये, है ना। कितनी है? 4 है हिंदी की उपभाषा। अभी हम पीछे देख के आए कितनी भाषाएं, 4 उपभाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 343। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343। बात क्लियर हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, है ना? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इनमें देखिए डोंगरी भी है, असमिया भी है और मैथिली भी है ना। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। उसमें से बुंदेली दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बांगरू किस उपभाषा की बोली है? बांगरू किस उपभाषा की बोली है? तो हम जब कर रहे थे इस क्वेश्चन को, जब मैं डिटेलिंग कर रहा था इसमें, तो आपने देखा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषा है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे बताया था, 14 सितंबर और 10 जनवरी आपको याद रखना। ये विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है तो यहाँ 14 सितंबर भी आंसर है। कई बार गलती से 14 सितंबर न लग जाए, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप 10 जनवरी लगाएंगे विश्व हिंदी दिवस का। आगे आते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ना, तो देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो बिराही लिपि से हुई है। किससे हुई है? बिराही लिपि से हुई है। बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित राज्य कौन सा है ना? 1956 में जो गठित राज्य था, जीके का भी क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना? हिंदी में पूछा है तो हिंदी में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। तो आंध्र प्रदेश था दोस्तों। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली 14 सितंबर 1949। इसी दिन हम अपना हिंदी दिवस भी मनाते हैं 14 सितंबर को। बात क्लियर है? आगे आते हैं। राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? तो यहां पर 4 बोलियां हैं, है ना। कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं। बात क्लियर हो जाती है? एक सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौरवी बोली का उपनाम है कौरवी, एक सेकंड। कौरवी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली भी कहते हैं कौरवी को। कुछ हम देख रहे थे ना कुछ बोलियों की उपनाम, कुछ बोलियों के उपनाम जो देख रहे थे हम, वो ये वहां से क्वेश्चन है। तो खड़ी बोली इसका सही आंसर। क्वेश्चन है, 21वें संशोधन 1967 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 21वें संशोधन करके संविधान में सन 1967 में जो भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों वो थी सिंधी भाषा। कौन सी थी? सिंधी भाषा। पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान में अभी कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है? 22 भाषाओं को, है ना, 22 भाषाओं को। संविधान के किस प्राथमिक स्तर पर संबंधी वर्णन है अनुच्छेद के तहत मातृभाषा में शिक्षा, है ना? तो ये वर्णन है दोस्तों हमारे अनुच्छेद 350 में, है ना। हिंदी में संविधान में हिंदी का जो वर्णन किया गया है वो 343 से 352 तक किया गया है। 352 अनुच्छेद जो है वो इसी के लिए समर्पित है। 9 अनुच्छेद जो है वो किसके लिए समर्पित है? हिंदी के लिए संविधान में। क्लियर होती है बात?
किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बहुत छोटे क्षेत्र में कोई भाषा जब बोली जाती है तो वो भाषा ना होती है, क्या होती है? बोली होती है। क्या होती है? बोली होती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी है मेरे भाई। ठीक है, आगे आओ। काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, काव्य भाषा जिसमें काव्य की सबसे ज्यादा रचनाएं की गई है ना, चाहे वो सूरदास हो, तुलसीदास हो, रहीमदास हो, मीराबाई हो, सबने अधिकतर जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हैं। तुलसीदास ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं। लेकिन सूरदास को आप कह सकते हैं, उन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा रचनाएं सूरदास की सभी रचनाएं ब्रज भाषा में है ना, ये ध्यान रखना आपको। 24 क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से आई है? तो राजस्थानी जो आई है दोस्तों वो सौर सैनी से आई है। किससे आई है? सौर सैनी से आई है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आ गया वो। मानक हिंदी के रूप में स्वीकारित है, मानक हिंदी के रूप में स्वीकारित है, स्टैंडर्ड हिंदी के रूप में किस भाषा को मान्यता है? तो वो है दोस्तों खड़ी बोली। बात क्लियर है, आगे आएंगे। किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? है ना, तो देखिए इन तीनों राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं, तीनों, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब। दोस्तों यहाँ की राज्य भाषा हिंदी नहीं है, क्या है? पंजाबी है, है ना, नाम से ही क्लियर है आपको, क्या है? पंजाबी है। अगले क्वेश्चन पे, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन है? तो सबको पता है दोस्तों हिंदी की आदि जननी भाषा हम किसको कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। किसको कहते हैं? संस्कृत को। और क्वेश्चन में अगर आदि शब्द नहीं लगाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदी की जननी है। तो हिंदी कहां से आई है? सबसे अंतिम चरण जो था हिंदी का वो था अपभ्रंश। क्या था? अपभ्रंश। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था, अपभ्रंश और अवहट दोनों ही आप समझ के चल सकते हैं, ठीक है ना, अपभ्रंश और अवहट। तो आदि जननी कहेगा तो संस्कृत, और जननी कहेगा तो अपभ्रंश और अवहट में से विकल्प पिक करेंगे। राजभाषा का अर्थ क्या होता है? राजभाषा का मतलब देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज होता है ना, कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। कहीं है सरकारी कामकाज की भाषा जो होती है वो राजभाषा होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो देखिए चार भाषा परिवार है, हमने पीछे डिस्कस किया था हमारे हिंदी में कितने भाषा परिवार हैं, चार भाषा परिवार हैं। नंबर एक पे हमारा भारोपी है जो कि सबसे ज्यादा बोला जाता है, लगभग 74% लोग भारोपीय भाषा परिवार को बोलते हैं, जिसमें हमारी हिंदी भी आती है, हिंदी भी इसी भाषा परिवार की है ना। चीनी तिब्बती बहुत कम बोला जाता है दोस्तों, लगभग 0.77% के आसपास ही बोला जाता है, और 10% के आसपास, 10-15% के आसपास ये भी बोले जाते हैं। बात क्लियर है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा बोला जाता है? भारोपीय। तो हमारी हिंदी कहाँ से निकली है? भारोपीय भाषा परिवार से निकली है। बात क्लियर है, ठीक है, आगे आते हैं। हिंदी का संबंध किस शाखा से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या है? ईरानी। देखिए अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर आर्य भाषा भी तो है, हम आर्य भाषा भी तो कह रहे थे इसको, भारोपियों को, है ना। तो ये देखिए आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से आए। तो लेकिन इसको आपको जड़ लगाना है, मतलब जड़ पे जाकर के क्वेश्चन पूछा, ये बहुत घुमा के, इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो ईरानी शाखा होगा। क्या होगा? ईरानी शाखा। अगले क्वेश्चन पाते, मैथिली का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मैथिली भाषा का जो उदय हुआ है दोस्तों वो मागधी से हुआ है। किससे हुआ है? मैथिली भाषा का मागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी का हुआ है अर्धमागधी से। किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से हुआ है, ठीक है। सौरसैनी, खड़ी बोली, सौरसैनी से किसका विकास हुआ है? तो ये खड़ी बोली हो जाएगी। क्लियर है ये बात, मैंने पीछे डिस्कस की हुई है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी का मतलब होता है पंजाबी भाषा, ये ब्राचंड से हुआ है दोस्तों। किससे हुआ है? ब्राचंड, इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है, आगे आते हैं। पूर्वी हिंदी का उदय किस अपभ्रंश से हुआ? तो मैंने अभी बताया था इसका आंसर पीछे, है ना। पूर्वी हिंदी का किससे हुआ? अर्धमागधी से। मागधी से किसका हुआ? मैथिली का। ब्राचंड से सिंधी का हो गया, सौरसैनी से खड़ी बोली का हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो ब्रज भाषा हमारी पश्चिमी हिंदी की है, कन्नौजी भी है, बुंदेली भी है, लेकिन बघेली नहीं है, पूर्वी हिंदी में आती है। बघेली किस में आती है? पूर्वी हिंदी में आती है। पूछ क्या रहा था? पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज भी आएगी, कन्नौजी भी आएगी और बुंदेली भी आएगी। क्लियर हो जाती है बात, आगे आते हैं। पश्चिमी हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली जिसमें सबसे ज्यादा काव्य रचनाएं भी लिखी गई हैं वो है दोस्तों हमारी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो ब्रज भाषा का संबंध हो राजस्थानी हो हरियाणी हो, इन सब का संबंध दोस्तों सौर सैनी से है। किससे है? सौर सैनी से है। बात क्लियर है। चलो
बचपन में अपनी माँ से सीखी हुई भाषा को क्या कहते हैं? तो माँ जो हमारी होती है वो मातृभाषा बोलती है, और माँ हमें क्या सिखाएंगी? मातृभाषा ही तो सिखाएंगी। राइट आंसर सी होगा। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया था। देखिए सन देख रहा है, आप देख रहे हैं 11वां, इसके बाद 12वां भी पूछेगा, तो मैं सब क्वेश्चन लेके आया हूँ, टेंशन मत लो आप। पहला भी लेके आया हूँ, पहला कहाँ हुआ था, 12वां कहाँ हुआ, 11वां कहाँ हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों मॉरीशस में। कब हुआ था सर? 2018 में। आगे आते हैं, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सभी को पता होगा 1975 में, ये रटा हुआ क्वेश्चन होगा, ये कई बार जीके में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होगा, हो चुका है ना। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? देवास। कहाँ पे हुआ था? देवास। राइट आंसर हमारा बी होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 की बात कर रहा है दोस्तों ये, तो 1975 में आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप पता कर पाएंगे, मनमोहन सिंह तो हो नहीं सकते, अटल बिहारी वाजपेयी थे नहीं उस टाइम पे, है ना, कोई नहीं होगा नहीं, तो आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा, इंदिरा गांधी। हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है, ये कथन किसका है, है ना। तो ये कथन है मेरे भाई, मेरे दोस्त माखनलाल चतुर्वेदी का, इनका एक उपनाम है, है ना, इसका एक उपनाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक भारतीय आत्मा, क्या कहते हैं इनको, एक भारतीय आत्मा, है ना, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एक भारतीय आत्मा इनको उपनाम के नाम से जाना जाता है। निराला कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी को, इनका उपनाम क्या है? निराला है, है ना। और राहुल सांकृत्या इनको राहुल सांकृत्यायन कहते ही। चलिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आधिकारिक दर्जा व वैश्विक पहचान कब मिली थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। विश्व हिंदी दिवस को आधिकारिक दर्जा व वैश्विक, है ना, मतलब पूरे विश्व लेवल पर पहचान कब मिली थी? तो ये मिली थी दोस्तों 2006 में। कब मिली थी? 2006 में। आगे आते हैं, पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया किस, ये कह रहा है 14 सितंबर को किस वर्ष मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंसने वाली बात क्या है कि सर हमने 14 सितंबर 1949 को, देखिए अब आप सोचेंगे सर यहां से 1949 के हिसाब से हम देखें तो 1950 इसका, क्योंकि हमारा ये इस दिन हुआ था 14 1949 में, तो 1950 में पहला हिंदी दिवस मना लिया होगा हमने, लेकिन इसका सही आंसर है दोस्तों 1953। क्या है? 1953, ठीक है। चलो, केरल में कौन सी बोली बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है दोस्तों मलयालम। कहाँ बोली जाती है? केरल में मलयालम बोली जाती है, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में, है ना, ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक तमिलनाडु, है ना, इससे पता ही चल रहा है आपको। अच्छा, अब आ जाती है तेलुगु, ये आंध्रा में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो क्या पूछ रहा, केरल में बोली जाती है मलयालम, ठीक है। आगे आ जाओ, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है और पूछा हुआ भी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हिंदी का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से निकली पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से अवट, और अवट से हिंदी, है ना, ये इसका सही क्रम होना चाहिए, बात ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, गोवा की मुख्य भाषा क्या है? तो गोवा में बोली जाती है दोस्तों कोंकणी। क्या बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में। महाराष्ट्र में मराठी, और तेलुगु मैंने अभी बताया था, तमिल भी मैंने आपको बता दिया है, है ना। चलो, आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर कि सर वहां पर तेलुगु बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? तेलुगु, है ना, बहुत फिल्में देखते होंगे साउथ की फिल्में, तो ये तेलुगु भाषा में अधिकतर फिल्में होती है, तमिल भाषा में भी बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं। कर्नाटक की मुख्य भाषा क्या है? तो कर्नाटक की कन्नड़ हो जाएगी, कर्नाटक से कर्नाटक और कासे कन्नड़। झांसी की बोली कौन सी है? यूपी में है दोस्तों झांसी हमारे, है ना, बड़ा ही सुंदर जिला है, तो इसमें बोली क्या कह रहा है? झांसी की बोली कौन सी है? तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, है ना, सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी। तो ये दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन हमने यहाँ से हिंदी भाषा से कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, लगभग लगभग क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया है।
वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत आराम से आप लगा, शुरू किए जो 10 मिनट की वीडियो है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में हल हो जाएंगे, ठीक है ना। परीक्षा का समय दोस्तों बहुत नज़दीक है आपके, आप मेहनत बहुत जोरों शोरों से करते रहिएगा, एनपीसी की टीम भी आपके साथ लगी हुई है ना। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एनपीसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसी के साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारे एनपीसी गुरुकुल के ही नाम से है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा जिससे कि हम आपकी एक बेहतरीन तैयारी करा सके। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।